गायक रिची बन्ना आज आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरीत त्यांचा हा प्रवास. हॅलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आहे. कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में? हमको अराउंड 5 इयर्स हो गए. हमने 2014 में गाने बनाने स्टार्ट किए थे और तब से अभी तक चला ही आ रहा है. मेरे साथ एक और मेरे दोस्त थे, उन्हें गाने का बहुत शौक था और वो इनका नाम आदित्य व्यास है और वो बहुत अच्छे सिंगर है. उन्होंने स्टार्ट किया था 2007 में अराउंड. फिर उसके बाद जब उन्होंने प्लान किया कि हमें खुद का एल्बम बनाना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही लिखेंगे और खुद ही आगे जो भी करेंगे हम खुद ही करेंगे. उसके बाद बहुत टाइम से राजपूतों पे कोई गाना नहीं था, या एक्चुअली देखा जाए तो बना ही नहीं था, और जो बने थे वो सब दूसरी लैंग्वेज में थे, हिंदी में कोई नहीं था. तो हमने सोचा क्यों ना हम उसी से स्टार्ट किया जाए. और जब वो बनाया गया पहली बार तो बहुत वायरल हो गया, फिर उसके बाद कारोबार बढ़ता ही गया. लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, आपके फॉलोवर्स बहुत है, आपके शोज हर तरफ हो रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, ये 2014 से चालू हुआ है और वो प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है. और हमने जब पहला गाना बनाया तो हम खुद भी नहीं जानते थे कि ये इतना सब जगह क्रेज हो जाएगा. या और एक्चुअली देखा जाए तो हमने उसलिए किया भी नहीं था, हमने इसलिए किया था क्योंकि राजपूतों पे कोई गाना नहीं था और मेरे फ्रेंड आदित्य व्यास, उनको एक गाने का शौक था, उनका हॉबी था, इसलिए हमने बना दिया. फिर उसके बाद लोगों हमने पहला गाना बनाया, उसके बाद लोगों की डिमांड आने लगी दूसरा कब आएगा दूसरा कब आएगा, तो दूसरा बना दिया, वो भी वायरल हो गया. फिर उसके बाद तीसरा बना दिया. फिर ऐसे ऐसे हर जैसे गाना रिलीज होता है उसके 5 दिन बाद तो फिर से डिमांड आने चालू हो जाती है कि आपका अगला गाना कब आएगा. फिर वो कंटिन्यू तब से वो चला ही आ रहा है, गाने बनते ही जा रहे हैं. और मैं आपके माध्यम से अपने जितने फैंस उनको कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए. और आप लोग साथ हो तो हम जो जैसे आप गाने चाहते हैं वैसे बनाते रहेंगे और यूं इस तरह हमारा साथ देते रहना. ये भी सुनने को आया है कि आप राजपूत के लिए जो शो करते इसके उसके पैसे आप चार्ज नहीं करते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब स्टार्ट किया था तो हमारा कोई एम नहीं था कि हम पैसा कमाए या फिर उससे हम बड़े बिजनेसमैन बन जाए इस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं था. हमने जो स्टार्ट किया था वो राजपूतों के लिए गाना बनाना चाहता था, हमने चाहते थे हम राजपूतों को कुछ दे. तो जब हमने देने का जब आपने सोच ही लिया तो फिर आप लेने का कैसे सोच सकते हैं. तो हमने स्टार्ट से ही मतलब जब गाना बनाने से पहले ही हमें ये पता था कि हमें कभी भी चाहे रैलीज हो चाहे शोज हो या फिर किसी भी तरह की हेल्प हो या फिर हमारे उधर वहाँ पे जाने से राजपूतों के फंक्शन में वगैरह उनका कुछ बढ़ावा मिलता है तो हम इस चीज़ के लिए कैसे पैसे ले सकते हैं. जो वो आप देखोगे तो मेरे लिए अगर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी इंडिया के ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड के राजपूत हैं, अगर आप उन्हें मेरा नाम बताओगे या आप मेरे बारे में उन्हें पूछोगे तो वो एक उनके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी और मुझे वही चाहिए. मुझे उनसे ना तो पैसा चाहिए ना मुझे उनसे कोई फ़ायदा चाहिए, मैं बस वहाँ उन्हें देने के लिए आया. और मैं बस ये चाहता हूँ कि यूथ जो भी है और जितने पुराने लोग भी हैं उन सबका आगे बढ़े, वो लाइफ में अपने सपने ड्रीम्स पूरे करें, बस यही है. मुझे उनसे पैसा चाहिए भी नहीं, ना मैं अभी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ना मैं कभी लिया है और ना ही कभी आपसे मैं पैसा लूँगा. बस इतना मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके साथ मैं हूँ हरदम. ऐसा सुनने में आया आपके फैंस जो है बहुत तरफ से वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सुनते, आपके अगेंस्ट किसी ने कमेंट किया तो उनको भी जाके पिट देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि लोग जो गलत बोलते हैं आप उनको जाके पीटीएम मत या लड़ाई झगड़ा मत कीजिए क्योंकि वो सही नहीं है. क्योंकि जो लोग कमेंट करते एक हिसाब से देखा जाए तो आपको गलत कमेंट करने नहीं चाहिए किसी भी सिंगर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए. वो मेहनत करता है चाहे अच्छा बुरा हो, आप ये बता दो अच्छा है या बुरा है. पर आप जब किसी के बारे में, मैं मेरे बारे में नहीं बता रहा हूँ, किसी के बारे में भी आप जब कमेंट पर गाली गलौज करते हो कुछ करते हो तो वो सही नहीं है क्योंकि आप उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते. आप गाना अच्छा नहीं है या है वो देखिए. अभी जैसे 2-3 केस हो गए मेरे फैंस ने किसी को जाके पीट दिया क्या हो गया, उसमें मैं हर किसी फैन पे जाके नहीं बोल सकता कि आप मत पीटिए आप मत कीजिए, वो उनका प्यार है. और ये भी है कि
आप अगर आपको मार नहीं खानी है या फिर नहीं पीटना है तो फिर आप गलत कमेंट कीजिए मत, आप जो गाने से रिलेटेड है वही बात कीजिए। तो मैं उन्हें भी बोलना चाहूँगा जो गलत कमेंट करते हैं कि मत कीजिए, और मैं मेरे फैंस को भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप संयम बरतिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मारपीट अच्छी बात नहीं है, ये जब ज़रूरत हो तभी करना चाहिए। आपके नाम के साथ हमेशा कंट्रोवर्सी जुड़ी जाती है, ऐसा क्यों? कंट्रोवर्सी का ऐसा है कि मीडिया को न्यूज़ चाहिए, वो लेंगे ही, आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी बोलोगे, उसमें से अगर आपको कंट्रोवर्सी निकालनी है तो लोग निकाल ही लेंगे। जैसे पद्मावती इशू हुआ, उस पर हमने बोला, उस पर करणी सेना ने बोला, वो उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, उस पर भी मीडिया ने उन्हें गुंडा दिखा दिया, हमें गुंडा दिखा दिया। हम अपने हक की बात करें तो भी हम खराब हो जाते हैं, हम आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हैं तो भी हम खराब हो जाते हैं, हम अपने लोगों का राइट्स मांग रहे हैं, उनके उनके लाइफ को इजी बनाने के लिए हम गवर्नमेंट से कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इंसान आपको दो तीन बार अल्टीमेटम देगा, चार पांच बार समझाएगा, जैसे करनी सेना ने हर बार, कुछ भी आप देखिए जो भी आंदोलन किया हो या किसी भी हमारे राजपूत संगठन ने जो भी आंदोलन किया, उन्होंने 10 बार तो पहले कहा है कि ऐसा हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, उससे आप इसे रोकिए। जब कोई सुनता नहीं है तब जाके आंदोलन होते हैं। और कॉन्ट्रोवर्सी की बात है तो अब आप किसी भी चीज़, अब जो मैं यहाँ पे बोलूँगा वहाँ से भी आप 10 बार उठा के कॉन्ट्रोवर्सल लिख सकते हो, तो वो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रोवर्सी हो, पर अब हो रही है तो हो रही है। अब जिसको, अब हमारे जो खिलाफ लोग हैं या जो हमसे, हमें पसंद नहीं करते, उनको वो यही चाहते हैं हमारे नाम से कंट्रोवर्सी हो तो होने दीजिए, हम भी देखते हैं कहाँ तक होती है। सुनने में आया कि रिची बन्ना के नाम से क्लोथिंग ब्रांड आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग नया, मेरे कुछ दोस्त है जो बहुत सालों से ये प्लान कर रहे हैं कि रिची बन्ना नाम से कुछ लॉन्च किया जाए, तो हम अभी क्लोथ, जैकेट्स, वॉचेज वगैरह, कैप्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपको अगस्त महीने में ये सब देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे यारों को सपोर्ट करें, और जितना भी इसमें इनकम होगा वो सब बहुत सारा शेयर चैरिटी में जाएगा, और बस यही है कि कीप ऑन सपोर्टिंग। फ्यूचर में आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? अभी हमारे 2-3 लव सॉन्ग आ रहे हैं, और राजपूतों के लिए भी एक अच्छा गाना आ रहा है, और भी डांस नंबर्स भी आ रहे हैं, और एक महाराष्ट्र के लिए एक मराठी गाना भी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो चल रही है, और बहुत सारे शोज भी है जो चल रहे हैं, तो अभी पूरा पैक सीजन है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप बचपन से महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो महाराष्ट्र के लिए कुछ अपने अभी तक कौन सा गाना किया है, क्या आपका भी आने वाला है, क्या बताओगे? महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मेरा कर्मभूमि यही है, ऐसा देखा जाए तो मेरा जन्मभूमि भी यही है कि मैं यहीं पे पैदा हुआ, और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, अभी से नहीं, जब मैं कुछ भी नहीं था, जब मैं स्टार भी नहीं था, तभी से ही बहुत प्यार देते आए हैं, और अब तो बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम मराठी में भी गाने बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत क्राउड है जो हमें पसंद करता है। हमने बीच में पार्टी इन लोनावला बनाया था जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो भी बहुत वायरल हुआ था, तो जितने भी हम हो सके हम महाराष्ट्र के लिए भी गाने बनाएंगे। और ये मेरी फेवरेट प्लेस है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये और राजस्थान, ये दो